गुरुवार की शाम आपली बस के चालक ने रास्ता पार कर रहे युवक को रौंद दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक वहां से फरार हो गया, जिससे नागरिकों में रोष फैल गया था। तो वहीं उसके बाद दूसरी बस आने पर लोगों का गुस्सा उस बस पर फूट पड़ा। गुस्साए नागरिकों ने इस बस पर पथराव कर कंडक्टर और ड्राइवर को भी पीट दिया। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को करीब 4 से 5 घंटे लग गए। अभियंकर नगर रोड पर गुरुवार की शाम आपली बस के चालक ने रास्ता पार कर रहे एक युवक को रौंद डाला। हादसे के बाद आरोपी चालक तो फरार हो गया, लेकिन नागरिकों में अब भी रोष व्याप्त था। इसकी वजह से लोगों ने पीछे से आ रही दूसरी बस पर पथराव कर अपना गुस्सा निकाला। मृतक नीलेश पटेल बताया गया है। नीलेश VNIT गेट के पास भुट्टे की दुकान लगाता था। रात 8:40 पर वह रास्ता पार कर दूसरी तरफ जा रहा था। अभयंकर नगर से LED चौक की ओर जा रही आपली बस क्रमांक MH31EM0390 के चालक ने उसे टक्कर मार दी। बस की चपेट में आने से नीलेश की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी बस चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन इसी दौरान पीछे से MH31FC0385 नंबर की बस आई। गुस्साए लोगों ने इसी बस पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो बस पर पथराव किया, तो वहीं कंडक्टर और ड्राइवर को भी पीट दिया। हलगर्जीपणे चालवून त्यांना धडक दिली आणि त्यात ते गंभीर जखमी झाले आणि त्यातच नीलेश पटेल यांचा मृत्यू झाला होता। अशी ही अपघाताची घटना आहे। आणि सदरील जी बस आहे ती त्यांना थांबता निघून गेली होती। त्यानंतर 5 मिनिटांच्या अवकाशाने जी दुसरी स्टार बस त्या ठिकाणाहून क्रॉस होत होती, तिथे जमलेल्या जमावाने रागाने त्या बस काचा फोडून नुकसान केलेलं आहे। तसंच बसचे जे ड्रायव्हर आहेत, ड्रायव्हर आणि कंडक्टरला हाताभुक्यांनी मारहाण केलेली आहे। गौरतलब रहे कि घटना की जानकारी मिलते ही बजाज नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को शांत कर रास्ते से हटाया एवं नीलेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन बस को हटाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। चाबी नहीं होने के कारण टेक्नीशियन को मौके पर बुलाया गया, इसलिए 4 घंटे तक बस रास्ते पर ही खड़ी रही। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।